आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में WhatsApp का कीबोर्ड नहीं आ रहा है या फिर आपके फ़ोन में WhatsApp का कीबोर्ड गायब हो गया है तो वापस कैसे लाएं। तो इसके लिए अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार पे क्लिक करिए, यहाँ पे टाइप करके सर्च करिए जीबोर्ड। उसके बाद जीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक करिए, अगर आपके फ़ोन में जीबोर्ड डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड करिए, अगर पहले से डाउनलोड है तो बाहर आइए। वैसे ज़्यादातर फ़ोन में पहले से डाउनलोड होता है, बट अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अगर आपको ये सेटिंग में नहीं मिलेगा तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद ऊपर सर्च सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद टाइप करिए इनपुट, और इनपुट टाइप करने के बाद यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो इस पर क्लिक करिए। और इस पर क्लिक करिए और आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जीबोर्ड आएगा यहाँ से, अगर आपका ये ऑफ है तो इस पर क्लिक करिए और इसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद बैक आइए, बैक आने के बाद करंट कीबोर्ड पे क्लिक करिए। करंट कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जीबोर्ड आएगा, और जीबोर्ड पे क्लिक करिए। करंट कीबोर्ड में जीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब चेक करिए WhatsApp का कीबोर्ड आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब हमारे WhatsApp का कीबोर्ड वापस आ गया है। तो इस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।